जियो पार्टनर बनकर आप हर महीने अच्छी कमाई कर सकते हैं। जियो पार्टनर बनकर आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इस पर आपको कमीशन मिलेगा। जियो फाइबर लीड्स कैप्चर कर सकते हैं, इस पर आपको कमीशन मिलेगा। सिम एक्टिवेशन और सिम की होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको जियो पार्टनर बनने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जियो पार्टनर बनने के लिए आपको जियो POS Lite एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओपन करने पर इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको पार्टनर टाइप चूज करना होगा। जियो के साथ आप किस तरह के पार्टनर बनना चाहते हैं, इसके लिए आप पार्टनर टाइप पर क्लिक करेंगे। इसमें आप रिचार्ज पार्टनर बन सकते हैं, जिससे आप जियो के मोबाइल नंबर्स को रिचार्ज कर सकते हैं, उस पर आपको कमीशन मिलेगा। साथ ही आप जियो फाइबर की लीड्स कैप्चर कर सकते हैं। हर एक सक्सेसफुल एक्टिवेशन पर आपको कमीशन मिलेगा। इसके लिए आपके पास बस एक जियो का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। इस तरह से आप स्वाइप करेंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा, आप एक्टिवेशन पार्टनर बन सकते हैं। इसमें आप जियो के नंबर्स को रिचार्ज कर सकते हैं, जियो फाइबर लीड्स कैप्चर कर सकते हैं और साथ ही आप जियो सिम एक्टिवेशन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक जियो का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। इसको आप स्वाइप करेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आप एक्टिवेशन और डिवाइस पार्टनर भी बन सकते हैं। इसमें आप मोबाइल रिचार्ज, जियो फाइबर लीड कैप्चर, सिम एक्टिवेशन के साथ साथ ही डिवाइस सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक जियो का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स होनी चाहिए। इसको आप स्वाइप करेंगे तो आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा, रेजिडेंट पार्टनर। इसमें आप ये सारे काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप सिम का डिस्ट्रीब्यूशन और होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो जिस टाइप का भी आपको पार्टनर बनना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रिचार्ज पार्टनर बनना है तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको एक्टिवेशन पार्टनर बनना है तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसमें आप अपनी ईमेल आईडी और जियो मोबाइल नंबर डालकर कंटिन्यू करेंगे। आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP यहां डालकर सबमिट करेंगे। इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना आधार कार्ड नंबर डालकर साइन इन पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP डालकर कंटिन्यू करेंगे। इसमें आप सिक्योरिटी पिन डालेंगे। अगर आपको सिक्योरिटी पिन याद नहीं है तो आप फॉरगेट पर क्लिक करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे। इसमें आप एक सिक्योरिटी पिन सेट कर लेंगे। जो भी आप सिक्योरिटी पिन रखना चाहते हैं वो आप यहां टाइप करेंगे। इसके बाद यहां पर दोबारा से टाइप करेंगे और सबमिट करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, अलाउ करेंगे। आधार कार्ड से ये आपकी डिटेल्स ले लेगा, आप प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे और प्रोसीड करेंगे। इसके बाद यहां पर आपको अपनी लोकेशन डालनी होगी। इस तरह से आप लोकेशन का नेम डालेंगे और प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशंस देख सकते हैं, एक्टिवेशन फॉर्म देख सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP डालकर सबमिट करेंगे। आपका अकाउंट एज ए एक्टिवेशन पार्टनर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके पास SMS आ जाएगा और आप अपना मोबाइल नंबर डालकर इसमें लॉग इन करेंगे और जो भी आपने पार्टनर टाइप चूज किया है उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक्टिवेशन पार्टनर चूज किया है तो मैं मोबाइल नंबर रिचार्ज कर सकता हूं, जियो फाइबर की लीड्स कैप्चर कर सकता हूं और साथ ही सिम एक्टिवेशन भी कर सकता हूं। रिचार्ज करने के लिए सीधे आप ऊपर रिचार्ज पर क्लिक करेंगे। जिस नंबर को आप रिचार्ज करना चाहते हैं मोबाइल नंबर डालकर आप यहां से रिचार्ज कर सकते हैं। लोड मनी पर क्लिक करके आप इसमें बैलेंस ऐड कर सकते हैं। जितना भी बैलेंस ऐड करना चाहते हैं वो आप यहां डालेंगे। उससे आपकी कितनी कमाई होगी वो आप यहां अर्निंग्स में देख सकते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और आप अपने डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से इसमें बैलेंस ऐड कर सकते हैं। बाकी सर्विसेज के लिए आप नीचे प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे। इसमें माय अर्निंग्स पर क्लिक करके आप अपनी अर्निंग्स देख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट सिम पर क्लिक करके आप सिम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जियो फाइबर लाइट पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप जियो फाइबर लीड कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर लीड पर क्लिक करेंगे। जो भी अपने घर में जियो फाइबर लगवाना चाहता है उसका मोबाइल नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहां पर डालकर सबमिट कर देंगे तो आपकी लीड कैप्चर हो जाएगी। जियो की तरफ से उसको कॉल किया जाएगा और उसके घर पर जियो फाइबर इंस्टॉल किया जाएगा। जैसे ही उसके यहाँ पर जियो फाइबर लग जाएगा तो आपका कमीशन आपके वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इससे आप कितनी कमाई कर सकते हैं ये आप अर्निंग कैलकुलेटर में देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आप सिलेक्ट करेंगे आप एक दिन में कितने रिचार्ज करते हैं, आपके सामने अर्निंग्स आ जाएगी। इसी तरह से कितनी जियो फाइबर लीड्स कैप्चर करने पर आपकी कितनी कमाई होगी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो इस तरह से जियो पार्टनर बनकर आप हर महीने अच्छी कमाई कर सकते हैं।
आई होप के वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।